बुलंदशहर से रीशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। कबाड़ा भरे कैंटर में लगी आग, 5 लाख का कबाड़ा और कैंटर जला। बुलंदशहर में शिकारपुर मेरठ बदायूं हाईवे स्थित मदरसे के पास अज्ञात कारणों से कबाड़ा भरे कैंटर में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मदरसे के आसपास रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और नगर पालिका की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन कैंटर जल कर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मदरसे के पास शमीम बेगम पत्नी स्व मसूद अहमद के मैदान में मोहम्मद इकराम पुत्र अब्दुल रहमान के कबाड़ा भरे कैंटर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कबाड़ा और कैंटर जल कर खाक हो गया। गनीमत रही कि गाड़ी में सीएनजी गैस सिलेंडर लगे हुए थे, अगर गैस सिलेंडर फट जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड और नगर पालिका द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। आग जिन कारणों से लगी वह कारण साफ नहीं हो सका और शासन प्रशासन जाँच में जुटे हैं।